नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट। दोस्तों, आजकल उत्तराखंड के जिला नैनीताल बेतालघाट से घुघुती धार तक हॉट मिक्स रोड का कार्य प्रगति पर है, जो कि अमेल क्यारी होते हुए घुघुती धार तक इस रोड को हॉट मिक्स होना है। लेकिन वर्तमान की जो हालात है, एक तरफ कार्य प्रगति पर है जहां आगे आगे रोड अच्छी तरह से बनते हुए जा रही, लेकिन पीछे जो युवा है, जो वहाँ के जागरूक लोग हैं, वो वीडियो तमाम हमारे पास भेज रहे हैं जहाँ वो दिखा पा रहे हैं कि रोड पीछे से उखड़ रही है। कहीं मिट्टी के ऊपर ही डामरीकरण कर दिया गया है, तो कहीं बीच बीच में डामर खुद उखड़ने लग गया है। तो जहां इतने वर्षों के बाद में यह कार्य हो रहा है हॉट मिक्स का, लेकिन वह भी अपने सही मानकों के हिसाब से नहीं हो रहा है, और जो क्वालिटी और गुणवत्ता है उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, जिसके कारण में यहां आए दिन युवा सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो के माध्यम से, ऑफलाइन वीडियो के माध्यम से उसको उजागर भी कर रहे हैं। तो क्या जो हमारे उच्च अधिकारी हैं जो इस रोड को देख रेख कर रहे हैं, क्या वो इसकी जाँच पड़ताल नहीं कर रहे, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आइए हम जानकारी लेते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ जहां कार्य प्रगति पे है, और दूसरा ग्रामीणों का ये कहना है कि जहां पर आबादी वाला जो क्षेत्र है वहां पर तो बहुत बढ़िया हॉट मिक्स अच्छा सड़क बनाई जा रही, वहीं पर जब आबादी वाले क्षेत्र को छोड़ के आगे जाया जा रहा है तो वहां पर सिर्फ तल्ले मारने का कार्य हो रहा है। जबकि जनता को यह बताया गया है कि यह रोड पूरी तरह से बेतालघाट से घुघुती धार, जो कि आगे रामनगर को लिंक रोड जाती रानीखेत, वहां तक ऑलरेडी सही है, तो वहां तक इस रोड को हॉट मिक्स करके बहुत बढ़िया तरीके से किया जाएगा। जबकि यहां पर सिर्फ कुछ जगहों पर टल्ले मार के ही दिखाया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो यहाँ जागरूक युवा है वो वीडियो हमारे पास में पहुंचा रहे हैं। तो साथ में है प्रेम महाराज जी, जो कि एक ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भी हैं और एक क्षेत्र का युवा जागरूक भी हैं। तो ये खुद वहां पर कार्य खड़े होकर देख भी रहे कैसा चल रहा है। तो महाराज जी, लगातार शिकायतें आ रही इस रोड से कि डामर एक तरफ आगे से जहाँ कार्य प्रगति पे है वहीं पीछे से उखड़ते जा रहा है, तो क्या चक्कर है? सर, इसमें यह है कि मैंने इंजीनियर से भी बात करी, जो ठेकेदार के वहां मुंशी जो मशीनें चल रही है उनका कहना है प्रधान जी कि 1 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है, उसमें हमने पेज भी भरने हैं, पूरी रोड हमने कम से कम 20 किलोमीटर तक बनानी भी है, तो कैसे होगा? जिसमें मैंने कहा जो उनके ठेकेदार के अधिकारी हैं जो काम की देख रेख कर रहे हैं उनसे भी मेरी बात हुई। मैंने कहा भाई साहब ऐसा क्यों हो रहा है? बोला भाई साहब 1 करोड़ रुपया हमारे पास कुछ है और रोड की हालत इतनी डैमेज है कि अगर रोड थोड़ी बहुत भी ठीक होती तो क्वालिटी में और फर्क पड़ता, लेकिन बजट ना होने के कारण, ये तो अधिकारी जाने सर कि क्या बजट प्रस्ताव हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन जहां से है कि पहले से रोड में काफी सुधार है और सन 2008 के बाद जो है इस रोड को देखने वाला कोई नहीं सर। क्योंकि हम जैसे कि देख रहे हैं कि आपने लगातार इस रोड के लिए आवाज उठाई और आप लगातार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से आपने आवाज उठाई थी उस तरह से काम कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है? क्योंकि इस रोड को एक बार प्रॉपर हो जाती तो ये मान के चलिए अगले 30-40 साल तक इसमें देखने की जरूरत नहीं थी फिर? नहीं थी सर, उनका कहना है कि हमारे 2 साल की गारंटी है, 2 साल के बाद उखड़ेगी तो जो भी होगा उसका हम उसके ठीक कराएंगे। तो ये तो कहने वाली बातें हो गई, क्योंकि एक बार जब सड़क बन के चले जाते हैं फिर तो ना ठेकेदार हमको जानते हैं ना हम लोग ठेकेदारों को जान पाते हैं कौन है। बिल्कुल सत्य सर, मेरा तो पीड़ा यही कहती है कि हमारे क्षेत्र का जो रोड है ये रोड ओके होनी चाहिए और उसमें जो है कि हमारे उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए कि वास्तव में ये ठीक है कि नहीं है। बाकी सर क्वालिटी की बात है, जितना हमारे से सहयोग हो रहा है सर वहां पर हम भी सहयोग कर रहे हैं, हम भी बार बार दबाव कर रहे हैं, क्योंकि सर मेरे हाथ में भी चोट आई है, मैंने कहा घर नहीं बैठेंगे तो रोड में थोड़ा सा काम चल रहा है उसको देखेंगे तो कुछ काम में फर्क पड़ेगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रहे हैं उसके लिए। धन्यवाद सर, नमस्कार।